हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो फाइबर का रजिस्ट्रेशन आप कैसा कैंसिल कर सकते हो। आपका पैसा जो होता है वो भी रिफंड मिल जाएगा। आपने ले लिया है जियो फाइबर और आपको अब कैंसिल करना है, आपके उधर नेट पास नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आपको रिफंड भी मिल जाएगा, मनी को भी मिल गया है रिफंड और आपका कनेक्शन भी कैंसिल हो जाएगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए हमको एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है, दो रिक्वेस्ट करेंगे, एक रिफ़ंड के लिए हम अभी करेंगे और एक कैंसिल के लिए करेंगे। तो पहले कैंसिल का आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिफ़ंड के लिए हमको कैसा रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि हमको दोनों अलग अलग करना पड़ता है इसके ना, तभी जाकर आपको दोनों के कस्टमर केयर के विभाग अलग अलग है। इसके लिए दोस्तों आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम अपना कैंसिल कर सकते हैं। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी हमको जियो ऐप में हेल्प एंड सपोर्ट पे जाने का है। यहाँ आपको दिखा देता हूँ, देखिए इधर कुछ टर्म एंड कंडीशन है और जो भी आपका रिफ़ंड रहता है वो सब मिल जाएगा। यहाँ खुद उनने बोला है, जियो वाले ने, आप कैंसिल कर देते हो तो आपका रिफ़ंड लेने का क्या तरीका है और कैंसिल करने का क्या तरीका है, इधर मैं आपको दिखा डालूँगा। तो आपको यहाँ खुद भी आके देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमको क्या करेंगे, चैट विद अस में क्लिक करेंगे जियो फाइबर में और यहाँ हमको देखिए ट्रायल ऑफ़र में क्लिक करना है। व्हाट इज़ द जियो फाइबर ट्रायल ऑफ़र, तो आप ट्रायल ऑफ़र में हो या बाहर भी हो तो भी मैं बताऊँगा क्या करने का। देखिए जियो फाइबर ट्रायल ऑफ़र इज़ नो कंडीशन, 30 डे फ्री ट्रायल डेट प्रोवाइड। तो आप 30 दिन के लिए ट्रायल लेते हो, आपका 30 दिन अभी हुआ नहीं है, तो दोस्तों आपका जो भी है ट्रू लिमिट इंटरनेट एट 150 मेगाबाइट पर सेकंड विद सेंट्री मेट्रिक स्पीड एसेस टू 13 पेड OTT एप्लीकेशन एट नो कॉस्ट अनलिमिटेड वॉइस लिखा है। तो दोस्तों तो इधर नीचे बता रहा है, इंटरनेट ओनली फ्री ट्रायल डेट कम एट ए रिफंडेबल वन टाइम चार्ज ऑफ फ्रेश 1500। तो आपका जो भी 1500 है या 2500 का आपने दिया है प्लस OTT के साथ या इंटरनेट के साथ सब रिफंड हो जाएगा। तो हमको क्या करने का, भी चैट विद अस में क्लिक कर लेने का है। तो देखिए अब चैट विद अस में क्लिक करने का, इधर कनेक्टिंग टू जियो कर लिख के आ चुका है और ये हम भी हमको पूछ रहा है। तो हमको इधर क्या करने का है फ्रेंड, अब एक नीचे क्वेरी लिखी गई वो हमको सेंड करने का है। डाटा इंटरनेट रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड, रिचार्ज पेमेंट रिलेटेड, इधर हमको बहुत सारा ऑप्शन देता है। हम क्या करेगा, इधर कुछ भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने का नहीं करने का है, तो इसे आपको लिखने है जियो फाइबर, बस इतना लिख के भेज दीजिए फ्रेंड। देखिए ये आपको भी ये बोल रहा है, बी आल्सो हैव अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट फॉर योर जियो फाइबर क्वेरीज, जस्ट सेंड हाई ऑन व्हाट्सएप 700। और उसके आगे और भी नंबर है फ्रेंड्स, इस पर बोल रहा है इस पर भेज दीजिए। तो हम क्या करेंगे अभी, इधर व्हाट्सएप से करेंगे रीच अस ऑन व्हाट्सएप लिखा है, तो यहाँ से हम जियो फाइबर का व्हाट्सएप निकालेंगे। वहाँ से हमको दो बार रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, तो आपको दिखा देता हूँ। पहले हम इधर जा रहे हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये सर्चिंग कर रहा है, अभी जियो केयर में जा चुका है, इधर हमको हाई भेज देने का है। देखिए ऐसा आपको हाई लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक और जियो केयर है आपको देख लेने का है और आपको जो एरो का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके भेज देने का है। तो ये अभी हमारा हाई चले गया जियो केयर वाले को, जैसे वो देखेगा देखिए ऐसा भेज दिए। तो हमको क्या लिखने का, ये सब हमको कुछ काम का नहीं है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर सब आते रहते हैं, ये रिचार्ज कर लो वो रिचार्ज कर लो, पर हमको क्या करने का, एक और क्वेरी लिख के सेंड करेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं मैसेज के अंदर क्वेरी और सेंड कर देते हैं। हियर दियर करेंट स्टेटस ऑफ योर कनेक्शन लिखा, हमारा जो भी कनेक्शन उसका स्टेटस दिखा रहे हैं, पर हमको अभी देखने का नहीं, सिर्फ जियो फाइबर के बारे में पता करने है। तो जियो फाइबर लिखे गए, अभी हमको ये बोल रहा है वी ऑल्सो हैव डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट फॉर ऑल योर जियो फाइबर क्वेरीज। तो हमको ये दे दिया एक जियो फाइबर का व्हाट्सएप नंबर, तो एक लिंक दे दिया जियो फाइबर के, इस पर क्लिक करने का, ये वेबसाइट पर जाते साथ हम अपने जियो फाइबर पर पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम जियो फाइबर के व्हाट्सएप के डेडिकेटेड सपोर्ट में जाएंगे। देखिए आ चुका है, अभी कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक कर लेंगे, अब हम जियो फाइबर सर्विस पे पहुंच चुके हैं। अब हमको इधर क्लिक के भेजना है हाय, तो अब हम हाय भेज देंगे एक छोटा से। तो ये हमारा जा गया और उसने देख भी लिया है और यहाँ लिख कर इट लुक लाइक द नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो दोस्तों ये आला एरर आते रहता है, आप अपने रजिस्टर नंबर से नहीं कर रहे तो आपको रजिस्टर नंबर से करना है, मेरा रजिस्टर है तभी भी आ रहा है। तो
आपको लिखने का इट लुक लाइक दिस नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद एनी जियो नंबर अकाउंट वुड यू लाइक टू गेट सपोर्ट टू फ्रॉम अदर नंबर तो आपको लिखने का टू तो नो भी लिखेगा तो चलेगा और टू भी लिखेगा तो फ्रेंड चलेगा नो वरीज थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद जियो सपोर्ट तो हमारा रजिस्टर है ये सिर्फ शो नहीं कर रहा है इसका एरर है प्लीज़ कैंसिल में जियो फाइबर रजिस्ट्रेशन लिख के हम सेंड कर देंगे फ्रेंड तो आपको लास्ट तक का वीडियो देखने का मैंने पूरा तक कैंसिल लाइव दिखाया हूँ तो आप देख के जाइए पूरा लाइव देखते रहिए आपको मालूम पड़ जाएगा तो इसके लिए मैंने आपके लिए इतना वीडियो बनाया फ्रेंड्स और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना तो इधर मैंने लिख देता हूँ प्लीज़ कैंसिल माई जियो फाइबर एंड रिफंड माई मनी देखिए इधर लिखा है फॉर रिफंड रिलेटेड क्वेरीज कनेक्ट विद अस 180089 तो हम इसमें बाद में कनेक्ट हो गए पहले हम अपना कैंसिल कराएंगे मैं पहले बोला था आपको दो हमको है तो पहले हम इसमें करेंगे फिर उसके बाद हम रिफंड के लिए करेंगे अब मेनू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे मेनू भेजेंगे किधर तो आपको ध्यान से देखने आपको समझ नहीं आया तो आपको वापस से देख लें इट लुक लाइक द नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड फिर से लिख के दोस्तों यार लिख के आते रहता आपको हाई भेज देने का है इट लुक लाइक दिस नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद एनी जियो नंबर तो आपको इधर फिर से नो करने का है इधर मैं वन लिख के भेज देता हूँ इस बार ऑलराइट प्लीज टाइप चेंज टू गेट स्टार्टेड प्लीज कैंसिल माई जियो फाइबर तो देखिए दोस्तों ये बोल रहा है आप जियो फाइबर कैंसिल करना है तो ये ईमेल आईडी पे एक मेल कर दीजिए पूरा रीज़न बताइए काहे के लिए आप डिसकनेक्ट कर रहे हो तो हमको रीज़न बताना आप ज़रूरी है तो अब रीज़न बता के हम अपना कैंसिल करा सकते हैं तो अभी हमको ईमेल आईडी दे दे बी एक्सट्रीमली सॉरी टू नो डैट यू विश टू डिसकंटिन्यू जियो फाइबर सर्विस रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ड्रॉप अस एन ईमेल एट जियो फाइबर जियो डॉट कॉम स्टार्टिंग योर रीज़न फॉर द डिसकनेक्शन तो बोल रहा है आपका जो भी रीज़न है वो स्टार्टिंग में बता दीजिए उसके बाद आप कहीं के लिए डिसकनेक्ट कर रहे हो वो पूरा बताने का है तो हम दोस्तों हम बताएंगे हम डिसकनेक्ट कहीं के लिए कर रहे और चलिए और इसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो गेट इन टच विथ यू बता रहा है ईमेल भेजने का तो हमसे टच में रहेगा कॉल आएगा नहीं तो आपको ईमेल आ जाएगा तो ईमेल पर क्लिक कर लेने का तो आप अपने ईमेल पर पहुँच जाएंगे जीमेल पर तो दोस्तों आपके जो जीमेल होता है जियो का उसका रजिस्टर ईमेल आईडी से भेजने का बिना रजिस्टर ईमेल आईडी से भेजेगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा या तो आपका कोई कुछ होने वाला नहीं है तो आप जियो फाइबर में अपना रजिस्टर ईमेल आईडी कैसा करते हैं मैं नीचे एक वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको जाके देख लेने का है वहाँ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाए जियो फाइबर में ईमेल आईडी रजिस्टर कैसे करें तो यहाँ अभी आप आ गए हो या इंटरफेस में क्या लिखने का आपको नेम लिख लीजिए पहले सब्जेक्ट का मैं बाद में बताऊंगा क्या लिखने का और अपना रजिस्टर फ़ोन नंबर लिख लीजिए जो भी आपका जियो फाइबर में रजिस्टर फ़ोन नंबर है तो मैं अपना इधर जियो का फाइबर का रजिस्टर फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ और फ्रेंड कोई दूसरा नंबर आप लिख दोगे तो आपका नहीं होने वाला है वो पहचान नहीं पाएंगे कि आपका जियो फाइबर है भी क्या नहीं है इसके लिए अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखने का उसमें उनको मालूम पड़ेगा ये आपके नाम पे रजिस्टर है जियो फाइबर अब इधर हमको एक काई के लिए कैंसिल कर रहे हो रीज़न बताना पड़ेगा उसके बाद ही हमारा कैंसिल होएगा नहीं तो नहीं होएगा तो आपको कोई भी कैंसिल का जो भी रीज़न है वो बता दीजिए तो दोस्तों तभी आपको रिफ़ंड देंगे आप काई के लिए कर रहे ऐसा बहुत जन कर देते फ्रेंड जो रिफ़ंड सोचते एक महीने यूज़ करके हम कैंसिल कर दे और पैसा नहीं देना पड़ा इसके लिए हमको रीज़न बताना पड़ता है उनको रीज़न सही लगता है तो बोलते हैं हाँ आपको रिफ़ंड मिल जाएगा कोई बात नहीं तो इसमें लिख देने का हमको आई एम नॉट यूज़ नेट भी लिख सकते आई एम नॉट यूज डाटा दिस इज़ द रीज़न तो हम ज़्यादा डाटा यूज़ नहीं करते तो हमको नहीं चाहिए सिर्फ कॉलिंग के लिए रखते तो फ्रेंड ये आप कुछ भी लिख लीजिए आपको जो भी रीज़न देने हैं आप क्या वजह से कैंसिल कर रहे हो आपका रीज़न क्या है तो मैंने लिख दिया इधर और उसके बाद हमको क्या करने का है इधर हम अपना कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट देंगे प्लीज़ कैंसिल मैं आपको एक लाइन छोड़ के लिखनी है साथ में नहीं लिखने का ये तो ये लिखे गए अब प्लीज़ कैंसिल मैं जियो फाइबर बस इतना देख लीजिए आपको एंड रिफंड मैं मनी तो अभी रिफ़ंड कैसे लेते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ वो दूसरे स्टेप में आपको बताऊँगा अभी ये फर्स्ट स्टेप है दोस्तों सिर्फ कैंसिल करने का उसके बाद रिफंड का भी आपको बताने वाला हूँ तो प्लीज़ कैंसिल में जियो फाइबर एंड रिफंड में मनी लिख दिए और सब्जेक्ट में हम लिखेंगे
जियो फाइबर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, कैंसिल रिक्वेस्ट भी लिखेगा तो आप चलेगा। तो चलिए अब देख लिया आपने, jiofiber@jio.com पे भेज देने का, जो आपको ईमेल आईडी में वो देते हैं ईमेल आईडी, वैसे आपको भी आ जाएगी, उस पर आपको भेजने का, कोई दूसरे ईमेल आईडी पे नहीं भेजने का है किधर भी, सिर्फ जियो वाले का ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ही भेजने का, कोई दूसरी ईमेल आईडी पे नहीं भेजने का आपको ये सब। तो अभी ऊपर आपको एरो दिख रहा है, आपको सब देख लेने आपने सही लिखे कि नहीं लिखे, ऊपर एरो दिख रहा है वो क्लिक करके आपको सेंड कर देने का, तो ये ईमेल जियो वाले को चले जाएगा, जियो फाइबर को चले जाएगा। तो वहाँ से आपको एक कॉल या ईमेल आएगा बाद में, 24 हर्ज़ का टाइम लेते हैं। तो हमारा आप चले गए, एंड आपको ईमेल में जाके चेक कर लेने का है और रिफ्रेश भी करने का है और आपको देख लेने का है इम्पोर्टेंट में आया कि ईमेल आपका किधर ईमेल आता है। दोस्तों कभी कभी स्पैम में भी चले जाता है, तो हमको चेक कर लेने का स्पैम में इम्पोर्टेंट में। तो मैं अपने ईमेल आईडी पे देख लेता हूँ हमारा पहुँच गया है कि नहीं पहुँच गया। देखिए जियो फाइबर कैंसिल रिक्वेस्ट हमारा जो किए थे पहुँच चुका है हमारा, जो भी हमने लिखे थे, तो ऐसा आपको भी आ जाएगा जब पहुँच जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ़ंड के लिए कैसा रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने रिफ़ंड के लिए कैसा रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों देखिए हमको एक और ईमेल आया जियो फाइबर की तरफ से, पहले वो दिखा देता हूँ आपको। हमको जब पहुँच गया जियो फाइबर कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो ये कॉन्फर्मेशन ईमेल है, उसके बाद आपको कॉल आएगा, अभी नहीं आएगा। फ्रेंड थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस लिखा है, बी इनकरेज यूज टू योर पर्सनल, आपका भी चले जाएगा। तो ऐसा ईमेल आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका ईमेल जो है जियो वाले को पहुँच चुका है। तो आपको यही तरीका जानने का आपका ईमेल गया कि नहीं गया। तो ऐसा मुझे मालूम पड़ गया हमारा ईमेल पहुंच चुका है उधर, और वो आपको 48 हर्ट्स के अंदर नहीं तो 24 हर्ट्स के अंदर रिप्लाई दे देंगे। फ्रेंड कभी कभी एक दो घंटे में भी आ जाता है। अब चलिए हम अपने व्हाट्सएप में जाते हैं जहाँ से हमने मैसेज किया था। अब यहाँ हम क्या करेंगे फ्रेंड, अपने रिफ़ंड के लिए जो नंबर होता है वो करेंगे, रिफ़ंड पे नंबर पे आपको कॉल करने का, डायरेक्ट कॉल का वो नंबर है, आप ईमेल से नहीं कर सकते हो रिफ़ंड, आपको कॉल करके बात करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा हमने कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट दे दिया है ईमेल पे। और आपको देखिए ये नंबर है, उनको बोलना पड़ेगा हम लोगों ने कैंसिलेशन का ईमेल दे दिया, तो वो आपसे कुछ पूछेगा। उसके बाद आपका जो भी पैसा लगा होता है, आपने 1500 दिया या 2500 दिया, जितना भी दिया है, वो सब आपका रिफ़ंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, या आपको जो भी आपने वॉलेट से पेमेंट किया उसमें आ जाएगा। तो ऐसा करके आप अपना कोई भी जो है फ्रेंड जियो का फाइबर का कैंसिल कर सकते हो। तो आपने देखा लाइव दिखाया मैंने आपको, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और आपको कोई वीडियो चाहिए अलग अगले टॉपिक पे तो मुझे बोल सकते हो, मैं आपके लिए वो टॉपिक रेडी कर डालूँगा फ्रेंड। और दोस्तों आपको जियो फाइबर ऐसा करके कैंसिल कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 24 हर्ट्ज़ से लेके 48 हर्ट्ज़ लगता है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद आपका कैंसिल होना ही है आप। तो चलिए बस इतना वीडियो में, बाकी बाद में हम बात करेंगे।